कोरबा बिलासपुर से बंद ट्रेनों को जल्द चलाए रेलवे, वरना कोरबा विकास समिति करेगी उग्र आंदोलन। डीआरएम को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की दो टूक गेवरा रोड सहित कोरबा से चार यात्री ट्रेनों को रेलवे ने बंद कर दिया है। इसके कारण नागरिक परेशान है। कोरबा के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार ने हर किसी को नाराज किया है। कोरबा विकास समिति के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अगुवाई में बिलासपुर पहुंचकर कलेक्टर सारांश मित्तर से भेंट की। मौके पर ही डीआरएम को बुलवाया गया। यहां पर कोरबा क्षेत्र में रेल सुविधा की कटौती के बारे में चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने बैठक में कोरबा की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। इसी मसले पर कोरबा विकास समिति ने तय किया कि रेलवे का रुख नहीं सुधरा तो आगामी दिनों में किसी भी यात्री अथवा मालगाड़ी को नहीं चलने दिया जाएगा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने तल्ख तेवर के साथ रेलवे के सौतेले व्यवहार की खबर ली। इस दौरान सुनिश्चित किया गया कि 29 अप्रैल को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम के साथ बिलासपुर संभाग के सांसद और विधायकों की बैठक रखी जाएगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि डीआरएम पूरी तैयारी के साथ इसमें पहुंचे, किसी भी तरह की आधी अधूरी जानकारी और बहानेबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में फिर दोहराया गया कि अगर रेलवे बंद ट्रेनों को जल्द बहाल नहीं करता है तो किसी भी ट्रेन को नहीं चलने दिया जाएगा। जो प्रतिनिधि का जो कोयला है दिल्ली साइड रखता है वो पूरा रद्द कर दिया जाएगा तो हमारा कोरबा शहर का रोड भी कम होगा और यात्री गाड़ियां बिना मंगे दे देंगे। हमने मरपड़ के हाथ जोड़ के उस लाइन को चालू करवाया, तैयार भी हो रहे थे तो उसको रोक रहे थे ना, रुका हुआ था, मालूम होगा आपको। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट।